अस्सलामुअलैकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान। तो जानते हैं आज की अहम खबर। आज की बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा मंशा पाशा का फ़ोन चार्जिंग के दौरान फट गया। कैसे वाकया पेश आया, आप इसकी मुकम्मल तफसील जान सकेंगे इस मुकम्मल वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजीली पहुँच सके। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा मंशा पाशा का फोन चार्जिंग के दौरान फट गया। कैसे मामला पेश आया, किस वजह से फटा, बता रही थी कि अदाकारा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर की और तमाम सार्फीन को इस खौफनाक हादसे की इतला भी थी। मंशा पाशा ने बुरी तरह जले हुए फोन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर भी की और लिखा कि यह फोन का पुराना मॉडल था जो मैंने किसी को इस्तेमाल के लिए नहीं दिया हुआ था। अदाकारा मंशा पाशा ने बताया कि यह टेलीविजन के बराबर में चार्जिंग के दौरान मेरा मोबाइल फटा। अदाकारा ने इसे इंतहाई खतरनाक करार देते हुए कहा कि मैंने मोबाइल में मौजूद तमाम डाटा खोल दिया है जिसे मैंने ट्रांसफर भी नहीं किया था, लेकिन शुक्र है कि इस हादसे के वक्त ये मोबाइल मेरे हाथ में नहीं था। अगर ये मेरे हाथ में होता तो बहुत नुकसान होता। अदाकारा मंशा पाशा ने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी के साथ ये भी बताया कि आपको इस किस्म की एहतियाती तदाबीर करना बहुत जरूरी है। अगर आप फोन चार्जिंग पे लगाते हैं तो चार्जिंग के दौरान अपने हाथ में फोन ना पकड़ें या उससे काफी दूर रहें ताकि इस किस्म के खौफनाक हादसा ना पेश आए। लेकिन आज की बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानी अदाकारा मंशा पाशा का फोन चार्जिंग के दौरान फट गया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस फोन की हालत कैसी है। आज की बड़ी और अफसोसनाक वाकया आपके साथ शेयर किया। पाकिस्तानी अदाकारा मंशा पाशा का फोन चार्जिंग के दौरान फट गया, जिसकी हालत आप इस वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था। लेकिन ये बात खुशकिस्मती की है कि मंशा पाशा के हाथ में फोन नहीं था। अगर हाथ में फोन होता तो शायद उनके हाथ भी जल जाते, इस किस्म का खौफनाक वाकया पेश आता। और अगर आप भी कोई राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन का सहारा लेकर अपनी राय का जरूर इजहार करें। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ है तो आप भी कमेंट सेक्शन का सहारा लेकर अपने वाक्यों को इजहार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल करें। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।